जेंडर मतलब मन और शरीर का अलग अलग होना। आज भी मेरे बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो भी दो वक्त की रोटी के लिए ट्रेनों पे जाते हैं, सेक्स वर्क करते हैं। एक राज्य में इतने नंबर्स पे एक साथ ट्रांसजेंडर पुलिस विभाग में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? जहां हम लोग वाशिंगटन डीसी में थे, फिर बोस्टन गए, फिर फ्लोरिडा गए। और सेम सेक्स मैरिज के बारे में मैं कहूँ कि ये राइट टू प्राइवेसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारे कानून व्यवस्था हो गई, यही सारी चीजें तो हमें सिखाती है। कम्युनिटी के अंदर भी कुछ करने का जो हौसला है वो बढ़ा है। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्षिका, और आज एक नई स्टोरी के साथ हम आपके पास फिर से लौटे हैं। जब भी ट्रांसजेंडर्स की बात होती है तो छत्तीसगढ़ से एक नाम है जो सबसे पहले लिया जाता है, और वो है विद्या राजपूत का। अनेक संघर्षों से अपने जीवन को जीती हुई, लड़ाई लड़ती हुई विद्या राजपूत ने किस प्रकार अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार काम किया है, और अपना एक अलग व्यक्तित्व उन्होंने सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व में भी उन्होंने परचम लहराया, तो इसके बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। और आपको बता दें कि जो विद्या राजपूत हैं, उन्होंने लैंगिक समानता के लिए उनको कमला भसीन अवार्ड भी मिला है। वो छत्तीसगढ़ वेलफेयर ट्रांसजेंडर बुक की मेंबर भी रही हैं, और अभी वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांस पर्सन के लिए अभी वो नियुक्त हुई है। तो उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति संघर्ष से भरे जीवन से निकलकर सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेकिन अपने पूरे समाज के लिए कैसे काम करता है और उनके जीवन को भी बेहतर बनाता है। विद्या जी, बहुत बहुत स्वागत है वोकल टीवी में आपका। और मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगी क्योंकि अभी आप यूएसए गए थे इसी सिलसिले में, वहां पर इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम था जिसको आपने अटेंड किया, तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें इसको लेकर। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले जो है वो छत्तीसगढ़ के 13 ट्रांसजेंडर जो है जिनका चयन पुलिस विभाग में हुआ है, और आज वो रायपुर सहित प्रदेश के अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं थानों में एज अ कॉन्स्टेबल। ये खबर जब यूएसए तक पहुंची तो मुंबई से अमेरिकी दूतावास से कुछ लोग आए थे यहाँ पे जो यूएसए गवर्नमेंट के थे, और वो इस चीज़ को बड़ा आश्चर्य मान रहे थे कि एक राज्य में इतने नंबर्स पे एक साथ ट्रांसजेंडर पुलिस विभाग में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? तो वो चाहते थे कि आप लोग जो है वो यूएसए आइए और आपका जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और जो यूएसए में जो एलजीबीटीक्यू के लिए काम हुआ है या जो भी चीज़ें हैं तो आप उनका भी एक्सपीरियंस सुनिए। तो हम लोग इस तरह से, हमारा 21 डेज का ये पूरा प्रोग्राम था जहाँ हम लोग वाशिंगटन डीसी में थे, फिर बोस्टन गए, फिर फ्लोरिडा गए, और उसके बाद फिर पोर्टलैंड गए। तो हम लोग बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए, इसके अलावा जो एलजीबीटीक्यू के लिए पॉलिसी है, स्कीम है, उन सारे चीज़ों को हमने जाना, और हमारा जो एक्सपीरियंस है अपने स्कीम के बारे में, पॉलिसी के बारे में, एक्ट के बारे में, या जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है उसको लेके हम लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। विद्या जी, आपकी जो लाइफ जर्नी रही है शुरू से लेकर के हम देखें कि हमारे समाज में आसानी से जो थर्ड जेंडर है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो आपका वो लाइफ जर्नी क्या रहा है, क्या कुछ संघर्ष रहे हैं जिसको पूरा पार करके आप इस लेवल पर पहुंची कि आज आपका नाम ले दिया जाता है तो लोग आपको जानते हैं कि हाँ विद्या राजपूत कौन है? जी 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 हाँ, एक तो मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं एज अ ट्रांसजेंडर इस दुनिया में आई, मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो पिता की साहस है, एक भाई का जो हिम्मत है वो मेरे भीतर है, और माँ की ममता भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकृति में जो सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली लोग हैं तो उन दोनों के ही गुण मेरे अंदर में हैं। तो मैं और मेरा पूरा समाज कहीं ना कहीं से समृद्ध है और शक्तिशाली है, मेरा ऐसा मानना है। और चाहे बुलिंग हो, चाहे वो हरासमेंट हो, चाहे वो किसी प्रकार का लैंगिक शोषण हो, सुसाइडल टेंडेंसीज हो, या डिस्क्रिमिनेशन हो, स्टिग्मा हो, तो वो सारी चीज़ें मुझे भी झेलनी पड़ी और मेरे समाज को भी वो झेलना पड़ता है। पर होता क्या है कि
मेरा बैकबोन था मेरा एजुकेशन और मेरे आसपास के लोग जो हमेशा मुझे हिम्मत देते रहे, मोटिवेट देते रहे कि मैं बेहतर कर सकती हूँ। और फिर मुझे अपने समाज ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी अकेले की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचती, सरकार समाज के आम लोगों तक नहीं पहुँचती, पर ऐसे में हम सारे लोग एकजुट होकर आगे बढ़े और आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। और व्यक्तिगत जीवन में तो उतार चढ़ाव चलते रहता है, और पर यह है कि सबके साथ ही चुनौती है, चाहे लाइवलीहुड का कहें या हेल्थ का कहें या फैमिली का कहें। पर ट्रांसजेंडर के साथ ये प्रॉब्लम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ट्रांसजेंडर के साथ फैमिली नहीं रहता और उन्हें पूरे जीवन अकेले जीना पड़ता है। तो एक ह्यूमन सोशलाइज होते हुए भी वो उसे ह्यूमन नहीं माना जाता और सोशल मैगनिज्म में नहीं है, तो वो हमेशा एक उपहास या मजाक बना दिया जाता है कम्युनिटी को, तो वो झेलते हुए कहीं ना कहीं से एक व्यक्ति अनबैलेंस हो जाता है। और हम देखते हैं कि आम दुनिया में जो है वो कंपटीशन बहुत है और लोग जॉब नहीं देते हैं, तो ऐसे में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या डिपार्टमेंट में जॉब मांगने जाती है तो लोग उसे सिरे से खारिज कर देते हैं कि आप क्या काम करोगे। तो अभी भी लोगों की ये मेंटलिटी है, ऐसा नहीं है कि मुझे नेशनल या इंटरनेशनल कोई सम्मान मिल गया है, पर आज भी मैं अपने बच्चों के लिए जो है वो काम मांगने जाती हूँ तो कई बार मुझे भी गेट से मना कर दिया जाता है अंदर आने के ऐसा लिए। आपके साथ हुआ है? जी। ऐसा एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर कीजिए कि क्यों ऐसा कब कब आपके साथ होता हाँ है? हाँ ऐसा अभी आज से 3 महीना पहले ही, मैं अधिकतर तो मैं जाती ही रहती हूँ, लेकिन एक 3 महीना पहले का मैं एक इंसिडेंट आपको बता रही हूँ कि एक मैं शोरूम में गई हुई थी, दो तीन शोरूम में गई हुई थी, तो एक शोरूम से बाहर निकल के उन्होंने आया और मुझे बोला कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो मैं बोली कि यहाँ कोई वैकेंसी होगी या आने वाले दिनों में होगी तो मैं रिज्यूम जमा करने आई हूँ। तो फिर वो लोगों ने मुझे अंदर ही जाने नहीं दिया। दूसरी जगह भी यही सिचुएशन रहा, एक जगह तो शोरूम से ही वो अंदर बाहर आ गए थे, जबकि वो आम पब्लिक के लिए शोरूम है। तो फिर भी ये सब चीज़ें एक इंसान के साथ होता है ना, तो अंदर से बहुत बुरा फील होता है नहीं, और कहीं ना कहीं एक लगता भी है कि नहीं, मैं तो और कोशिश करूंगी, एक जिद की भावना अंदर से आती है। तो यही सब चीजें हैं, कई बार इंसान बहुत दुखी हो जाता है तो फिर कहीं से उसे मोटिवेट मिलता है, और कई बार जब ठोकर लग जाती है तो इंसान सुधरता है। तो ये चीजें चलती रहती है एक ट्रांसजेंडर के जीवन में। और अभी हम इस वक्त गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर्स यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहीं हम विद्या जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। यहाँ पर जो ये आश्रम गृह है, यहाँ पे कितने लोग हैं? यहाँ पे 25 लोगों की सीट है और लगभग 20 से 25 लोग हमेशा रहते हैं, और ये हम लोग सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे शुरू किए थे, 21 अप्रैल से शुरू किए थे। शुरुआत में केंद्र सरकार के द्वारा हमें सहयोग दी जाती थी, उसके बाद कुछ टेक्निकल कारणों से सभी गरिमा गृह देश में, ये 13 जगह है, तो वहाँ से सहयोग मिलना बंद हो गया बंद था, हो लेकिन ये जो बिल्डिंग है वो राज्य सरकार की है, तो हमारा खुद का घर था, घर ये गया। मतलब बिल्डिंग है, तो हमें लोगों ने सहयोग किया। फिर जो आम लोग थे, चाहे रायपुर के हो चाहे रायपुर के बाहर के हो, बच्चों के राशन के लिए, कपड़ों के लिए, एजुकेशन के लिए लोगों ने मदद किया, तो हम इसे बंद नहीं किए और वापस फिर से हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से फिर से मदद के लिए अपील किए हैं, और उम्मीद है कि वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जैसे कि ऑलरेडी 25 की सीट है और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, तो लोग और भी नए आते होंगे, आपको अप्रोच करते होंगे कि हम भी ऐसे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, जिनके साथ अगर घर पे नहीं रह पा रहे हैं, अगर घर के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम लोग तो पहली कोशिश ये करते हैं कि घर वालों को समझाएं, पर वो घर वाले इस चीज़ को मानते नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं और समझने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ट्रांसजेंडर पढ़ा ही नहीं है और जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेके वो बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, अगर वो घर से प्रताड़ित है, अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति, तो फिर हम उसे वो यहाँ पे रहते हैं, उनके
प्री और पोस्ट काउंसलिंग होती है, और जब उसे जब वो यहाँ पे कहना चाहिए जब इंटर करते हैं या दाखिला लेते हैं, तो उनका क्या मनोदशा है, क्या चैलेंज है और क्या बनना चाहते हैं और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये सारे चीज़ को लेके उनसे लंबी बातचीत होती है। और हम उसे जैसे फ्री शेल्टर हो गया, फ्री फूड हो गया, और जो रूटीन की चीज़ें हैं, और इसके अलावा एजुकेशन हो गया, ओपन एजुकेशन हो गया, कोचिंग हो गया, और उनका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हो गया, इन सारे चीज़ों से लिंकेजेस करते हैं। देन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इन्हें कहीं ना कहीं जॉब लगाएं, और इतना आसान नहीं है जॉब लगाना, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं। अब तक लगभग यहाँ से 100 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो जॉब कर रहे हैं। 23 तो बस्तर फाइटर्स और पुलिस में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ लोग पीडब्ल्यूडी में हैं, कुछ लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हैं, बालको में 20 से ज़्यादा लोग सिक्योरिटी गार्ड और मशीन ऑपरेटर हैं, वेदांता झारसुगुड़ा में काम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर टाटा स्टील जमशेदपुर में है जहाँ पे ऑपरेटर और लोको पायलट के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक समय कम्युनिटी की ये सोच थी कि हमें जॉब कौन देगा, और इसलिए लोग ट्रेडिशनल काम की तरफ डाइवर्ट होते थे या मूव होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट रोजी की बात है। और लेकिन अब ऐसा है कि 5 में से 1-2 लोग इधर भी आ जाते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पढ़ना है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। आपने विद्या जी एजुकेशन की बात की। अब देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है कि एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ये बता करके ख़त्म कर दिया जाता है। और फिर जो ट्रांसजेंडर है या फिर LGBTQ कम्युनिटी की बात की जाए, तो ये बच्चा बड़े होकर के अपने आसपास के लोगों से सुनता है, खुद ही इंटरनेट पर सर्च करता है, और फिर वो अपने दिमाग में धारणा बना देता है। इसके अलावा समाज का भी एक इम्पैक्ट है जो उस पर पड़ता है कि सामने वाला ये जो इस कम्युनिटी के लोग हैं वो कैसे हो सकते हैं, ये उसकी खुद की दिमाग की उपज होती है। तो जब एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, तो क्या आपको क्या लगता है कि एजुकेशन में ही बच्चों को शुरू से मेल और फीमेल के साथ ये भी पढ़ाना चाहिए कि इस टाइप ऑफ ह्यूमन भी एग्जिस्ट करते हैं, तब जाके ये जो स्टिग्मा दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है वो दूर होगा, तो इतनी समस्या नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही यकीन करती हूँ कि लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग 2014 से, जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर का दर्जा मिला भारत में, उसके बाद से हम लोग छत्तीसगढ़ ब्यूरोक्रेसी और जो जन प्रतिनिधि हैं उन सब के साथ में हम लोगों ने एक लंबी पैरवी की। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लगातार बातचीत और वर्कशॉप के बाद फिर ये निकल के आया कि उन्होंने क्लास 8 और क्लास 6 के सोशल साइंस और हिंदी में ट्रांसजेंडर सब्जेक्ट को शामिल किया, और आज हमारे स्टेट में जो है वो जो गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे पढ़ते हैं वो ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं। और ये सफिशेंट नहीं है, क्योंकि एक पूरे वर्ग को समझना कि उनकी मेंटल कंडीशन क्या है, आध्यात्मिक सफर क्या है, और उनका सामाजिक हाँ स्थिति क्या है। सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, और जिन्होंने बेहतर काम किया है उनकी क्या कहानी है, तो ये सारी चीज़ें जानी चाहिए, और ना सिर्फ स्कूल बल्कि वो कॉलेजों में भी जाना चाहिए। और फिर इसी तरह हम लोगों ने सरकार से लगातार बातचीत करते हुए और नालसा जजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाया, तो आज रायपुर शहर के जितने पब्लिक टॉयलेट हैं उसमें मेल फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर का भी टॉयलेट है। इसके अलावा जैसे हम मैं बता रही हूँ कि ट्रांसजेंडर मतलब मन और शरीर का अलग अलग होना, तो इसके सर्जरी के लिए मतलब बॉडी सर्जरी के लिए जो है हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में पैरवी किया, तो मेकाहारा और DKS में निःशुल्क सर्जरी होती है, और प्राइवेट में सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग दिया जाता है। और इसी तरह हाउसिंग में हम लोगों ने रिजर्वेशन लाया 2% का, तो उस हाउसिंग में लगभग 188 लोगों को 1 BHK का मकान मिला है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी हुई है और इंडस्ट्री पॉलिसी बनी हुई है, हर साल कल्चर इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं ट्रांसजेंडरों के लिए। तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सीन चेंज हुआ है, एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है, कम्युनिटी विजुअलाइजेशन भी बढ़ा है, कम्युनिटी के अंदर भी कुछ करने का जो हौसला है वो बढ़ा है। तो ये देख के थोड़ा अच्छा फील होता है, संतुष्टि तो नहीं है, क्योंकि आज भी हम मेरे बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो भी 2 वक्त की रोटी के लिए ट्रेनों पे जाते हैं, सेक्स वर्क करते हैं, लोगों के घर पे नाच गाना करते हैं।
तो अभी भी हम नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से स्थिति चेंज हुई है, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो है बाहर आए हैं और उन्होंने एक रास्ता बनाने का कोशिश किया है। ये सारे काम जो है वो आप लोग लगातार कर रहे हैं, आपका पूरा कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर कर रहा है, और आप इसी को लेकर के यूएसए भी पहुंची थी, तो वहां से अब यहाँ की चीजें आपने वहां पहुंचाई, आप वहां से क्या सीख कर आई और क्या बेहतर करने वाली है आगे चल के? देखिए, हम लोगों ने 2012 में एक थर्ड जेंडर स्पोर्ट्स मीट कराया था और वो चीज़ें जो थी हम लोगों ने शेयर किया। और दूसरी बात ये थी कि हम लोग 2019 में जो है वो 15 ट्रांस महिलाओं की शादी उनके मेल पार्टनर के साथ कराई थी, एक सामूहिक विवाह, वो भी कहीं नहीं हुआ था। तो ये दो वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। उसके बाद पुलिस की भर्ती थी और इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर किया। वहाँ से जैसे हमने वहाँ पे जो है वो LGBTQ कम्युनिटी को मैरिज का राइट्स है, जो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसजेंडर को राइट्स है, जो LGB कम्युनिटी है उनको ये राइट्स नहीं है, मतलब सेम सेक्स मैरिज यहाँ पे अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं। तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि हमने ये देखा कि वहाँ पे चाइल्ड एडॉप्शन के भी राइट्स हैं जो यहाँ पे नहीं नहीं है, है। ठीक है। और उसके अलावा हमने ये देखा कि वहाँ पे बहुत सारे चर्च थे, रेस्टोरेंट, होटल, सर्कल, लोगों के घर, जहाँ पे उनके विंडो पे, ऑफिस में और चर्च में, इन जगह पे LGBTQ कम्युनिटी के और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के और अमेरिका के फ्लैग लगे हुए थे। तो जरूरी नहीं था कि वहाँ कोई इस कम्युनिटी से है, ये था कि हम इस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो थी वो हम लोगों ने वहाँ से सीख के आया। और लोग वहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं और पॉपुलेशन कम है और क्षेत्रफल बड़ा है और कल्चर में तो हम सब लोग धनी हैं, लेकिन एजुकेशन में वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख के आया। वहाँ का जो रिपोर्ट ड्राफ्टिंग थी वो बहुत अच्छी थी, वो हमने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट ड्राफ्टिंग जो रहता है वो बहुत बेहतर तरीके से है। 1850 के आसपास से वहाँ जो मोमेंट चला है, और बहुत से लाइब्रेरी हैं, जैसे बोस्टन कॉलेज है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, और बोस्टन कॉलेज में तो LGBTQ कम्युनिटी का एक ग्रुप भी है और उस ग्रुप को वो कॉलेज जो है सपोर्ट भी करता है, बोस्टन कॉलेज जो है वो सपोर्ट भी करता है। और वहाँ पे जो था वो 1850 का जो वहाँ से जो क्रांति चली है LGBTQ कम्युनिटी के एक्सेप्टेंस और विजुअलाइजेशन के लिए, तो वो पूरा लाइब्रेरी में सारा कुछ था, वो था। बहुत से फ्लोरिडा में हमने देखा कि वहाँ पे एक स्टेडियम है जहाँ पे वो LGBTQ को समर्पित है, तो जो इंद्रधनुष है उसके सातों रंग के सीट वहाँ पे बने हुए थे। और जब भी वहाँ पे स्पोर्ट्स होता है तो जितने भी प्लेयर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं LGBTQ कम्युनिटी के सपोर्ट में सामने आते हैं, और कोई भी LGBTQ कम्युनिटी से जो है वो अगर स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं तो वो उनके लिए वहाँ पे वो स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट करते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं वहाँ पे, और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। अच्छा, आपने वो चाइल्ड अडॉप्शन की बात की और सेम सेक्स मैरिज की बात की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं, मतलब इंडिया में, क्योंकि अभी याचिका भी दायर की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि अगर अगर आप किसी बच्चे का सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, आप किसी बच्चे को खिला नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप उनके माता पिता बने। लेकिन जो व्यक्ति, चाहे वो मेल मेल और मेल हो, चाहे वो फीमेल और फीमेल हो, अगर वो लोग किसी बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करके एक अच्छे जॉब में लगा सकते हैं तो चाइल्ड एडॉप्शन का राइट्स देना चाहिए। और सेम सेक्स मैरिज? और सेम सेक्स मैरिज के बारे में मैं कहूँ कि ये राइट टू प्राइवेसी है। दो व्यक्ति बेड पे क्या कर रहे हैं ये तीसरों को झांकने की जरूरत नहीं है, और ये हर व्यक्ति को दूसरे की निजता का सम्मान करना चाहिए। हम जब तक दूसरे व्यक्ति के निजता, उनके डिसीजन, उनके लाइफ स्टाइल, उनके रीजन, रिलीजन, कलर, इन सारे चीज़ों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, तो हम समझ जाइए कि हम ह्यूमन है नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारे हमारे कानून व्यवस्था हो गई, यही सारी चीज़ें तो हमें सिखाती है कि बिल्कुल हम दूसरों का सम्मान करें, तभी हमें सम्मान मिलेगा।
बिल्कुल। तो देखिए, विद्या राजपूत जी हमारे साथ मौजूद थी और उनकी लाइफ जर्नी, उनकी कहानी, उनकी स्टोरी संघर्ष से भरी हुई है, लेकिन फिर भी किस प्रकार उन्होंने इन सब को पार करके अपने समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर तरीके से किस प्रकार काम कर सके, एजुकेशन के ले को लेकर के भी काफ़ी आगे रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, राइट्स को लेकर के उनमें काफ़ी अवेयरनेस है। अभी यूएसए गई हैं, वहाँ पर से भी उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख कर वो लौटी हैं, जो यहाँ चलकर अब फिर से अपनी कम्युनिटी के लिए वो काम करने वाली है। तो देखिए, ये सीखने वाली बात है कि किस प्रकार हम अपनी मानसिक स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति की वजह से एक बहुत बड़ा समाज अपने जीवन को जीने से ही वंचित हो जा रहा है। और हमें ये विद्या जी से सीखना चाहिए कि हम जब एक समाज से, एक व्यक्ति जब किसी बेहतर वर्ग पर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो वो कैसे अपने ही समाज के लोगों को बेहतर जगह पे, उनके जीवन को कैसे वो उठा सकता है, उसके लिए कार्य कर सकता है, ये सीखने की बात रही है विद्या राजपूत जी से। एक नई कहानी के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ हम फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए आप जुड़ रहे हैं वोकल टीवी के साथ, संध्या साहू के साथ, मैं लक्षिका, रायपुर छत्तीसगढ़ से।